उनका आपने सीड रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे पास सीड इंडस्ट्री में और भी बहुत से कैंडिडेट्स खड़े हैं जो आपकी तरह वेल एजुकेटेड है, हम उन्हें क्यों ना सिलेक्ट करें, हमें कुछ रीजन दीजिए, हम आपको क्यों लें। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज हम आपको सेशन देने जा रहे हैं बेस्ड है सीड इंडस्ट्री इंटरव्यू। और आपको बताना चाहूंगा, हमारे एक व्यूवर ने हमसे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट किया था कि सर सीड इंडस्ट्री पर हमें एक इंटरव्यू देना है, तो प्लीज आप इस पर एक वीडियो बना दीजिए। दोस्तों यदि आपको भी कोई इंटरव्यू देना और आपको लगता है पीडी क्लासेस पर ये इंटरव्यू अवेलेबल नहीं है, तो बिल्कुल आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मोनिका, आज जो हमारा सेशन है वो सीड इंडस्ट्री बेस्ड है और आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, तो उम्मीद है ये इंटरव्यू आप दी बेस्ट देंगे। चलिए मोनिका, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि सीड इंडस्ट्री का रोल क्या है। सर, सीड प्रोडक्शन होता है उसका मेन मकसद यही होता है कि हमें न्यूट्रिशन फूड अवेलेबल हो एक रीजनल प्राइस में। और कुछ सीड्स होते हैं जिनको हम डायरेक्टली खाते हैं, डायरेक्टली यूज़ में लेते हैं, और कुछ का हम फ्लोर, स्टार्च, ऑयल, अल्कोहल के रूप में या अदर प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ करते हैं। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स फूड न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सीड प्रोडक्शंस? सर, देर आर टू टाइप्स ऑफ सीड प्रोडक्शन, लाइक वेरिएटर सीड प्रोडक्शन एंड हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। हु इज द फादर ऑफ सीड टेक्नोलॉजी? सर, बद्री नारायण बारवले। और इनका जो इन्होंने जो सस्ते बीज बनाने और अच्छी क्वालिटी के बीज बनाने की शुरुआत की थी। वंडरफुल। चलिए मोनिका, आप सीड इंडस्ट्री में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट इज द रीजन? सर, सीड इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने का मेन मकसद मेरा ये है कि मेरे फादर हैं जो एक फार्मर हैं, और एग्रीकल्चर मेरा शुरू से ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, मेन सब्जेक्ट रहा है। और सर, अपनी फर्दर एजुकेशन है वो भी मैंने एग्रीकल्चर फील्ड में कंप्लीट की है। और सर, मैं बताना चाहूँगी, जैसे सीड, जब मैं इस एग्रीकल्चर की स्टडी कर रही थी, अपनी बीएससी एमएससी कर रही थी, तो सर मुझे लगा कि जो एग्रोनॉमी है वो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट है। इसमें मैंने सीड टेक्नोलॉजी के बारे में, सीड प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा और मुझे लगा ये सूटेबल प्रोफेशन होगा मेरे लिए। और सर, मेरा मानना है कि एग्रीकल्चर जो फील्ड है वो बाकी सभी सेक्टर्स से ज़्यादा, मतलब 4 गुना ज़्यादा पॉवर्टी को कम या हटाने में इफेक्टिव है। मोनिका, बीज टेक्नोलॉजी के कुछ फायदे बताइए। सर, बीज टेक्नोलॉजी का मेन मकसद होता है अनुवांशिकता एंड भौतिक विशेषताओं में सुधार लाना। और सिर्फ बीज टेक्नोलॉजी के द्वारा हम नई प्रजातियों को उत्पादन कर सकते हैं। बीज उत्पादन, मूल्यांकन, संग्रहण और जो प्रमाणीकरण है इसमें सम्मिलित होता है। और किसी भी फसल का जो प्रजनक के रूप में जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, हम उसे बीज कहते हैं। मोनिका, कैन यू डिफाइन सीड इन इंग्लिश आल्सो? श्योर सर, प्लीज। सर, सीड इज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कंसिस्टिंग ऑफ इंटैक्ट एम्ब्रियो, फूड एंड सीड कोट। इट इज ए वाइबल एंड हैज कैपेसिटी टू जर्मिनेट इन ए फेब्रिल कंडीशन। मोनिका, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स? सर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स आर न्यूक्लियर सीड, जिसे हम मूल केंद्रक बीज भी कहते हैं, ब्रीडर सीड, जिसे हम प्रजनक बीज कहते हैं, फाउंडेशन बीज, जिसे हम आधार बीज कहते हैं, और सर्टिफाइड बीज सीड, जिसे हम प्रमाणित बीज कहते हैं। इन सभी के कलर टैग्स बता सकते हैं आप? श्योर सर। सर, न्यूक्लियर्स जो सीड होते हैं उनका कलर टैग जो होता है वो गोल्डन येलो होता है, ब्रीडर सीड का होता है येलो, और फाउंडेशन सीड का जो टैग कलर होता है वो वाइट होता है, और सर्टिफाइड का होता है ब्लू। एपिजियल जर्मिनेशन के एग्जांपल्स दे सकते हैं? यस सर। सर, इसके एग्जांपल्स हैं मस्टर्ड, सनफ्लावर, कैस्टर एंड अनियन। और हाइपोजियल जर्मिनेशन के? सर, इसके सीरियल्स ग्राम एंड लेटिन। चलिए, डॉक केस से आप क्या समझते हैं? सर, ये सीड की इम्प्योरिटी परसेंटेज होती है। कैन यू टेल मी द फॉर्मूला ऑफ रियल वैल्यू ऑफ सीड? श्योर सर। सर, शुद्धता प्रतिशत इंटू अंकुरण प्रतिशत बटे 100, और इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं प्योरिटी परसेंटेज इंटू जर्मिनेशन परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। सीड डोरमेंसी से आप क्या समझते हैं? सर, सीड डोरमेंसी का मतलब होता है बीज सुषुप्तता। और जो बीज की जो सुषुप्तता या प्रस्तुति काल वह होता है जिसमें उसकी सक्रिय वृद्धि काल कुछ समय के लिए निलंबित कर दी जाती है। जो सक्रिय वृद्धि जो क्रियाएं होती हैं वो कुछ समय के लिए निलंबित कर दी जाती हैं। ये जो निलंबन वाली क्रिया है वो अल्प या वृद्धि दीर्घ लंबे समय तक चलने वाली भी हो सकती है। और जो मेन मकसद होता है बीज सुषुप्तता का, उसका अभिप्राय यह है कि बीज की वह मतलब उत्तम क्वालिटी का बीज है और सभी परिस्थितियां समान रूप से कार्य कर रही हैं, बट फिर भी वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है। When was the national seed project started? Sir, in 1988. What is the formula of pure leaf seed? Sir, it is a purity percentage into viability percentage divided by 100. Okay. Can you tell me the difference between stratification and scarification? Sure, sir. Sir, stratification
इट इज ए प्री ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स टू ब्रेक डोरमेंसी विच इज ड्यू टू लो टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. एंड स्कैरिफिक्शन इट इज ए प्री ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स टू ब्रेक डोरमेंसी विच इज ड्यू टू हार्ड सीड कोट. ओके, व्हाट इज आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सर्टिफाइड मेज? सर 200 मीटर. ओके, व्हाट इज टेस्ट वेट? सर इट इज ए वेट ऑफ 1000 सीड्स. एंड सीड इंडेक्स क्या होता है? सर इट इज ए वेट ऑफ 100 सीड्स. व्हेन वो सीड एक्ट पास्ड? सर इन 1966. बीज की अनुकरण प्रतिष्ठा कैसे ज्ञात करते हैं? सर इसके लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, जिस ये फॉर्मूला होता है अंकुरित बीजों की संख्या बटे बोए गए बीजों की संख्या इनटू 100. सीड डोरमेंसी कितने टाइप्स की होती है? सर ये मेनली 3 टाइप्स की होती है, प्राइमरी डोरमेंसी, सेकेंडरी डोरमेंसी एंड इनफोर्स डोरमेंसी जिसे हम बलकृत शुष्क अवस्था भी कहते हैं. ओके, सीड डोरमेंसी को तोड़ने के लिए कौन सी विधियां? सर इसके लिए लाइट ट्रीटमेंट, अल्टरनेटिंग ट्रीटमेंट, चीलिंग, पोस्ट मोचुरेशन, केमिकल, फिजिकल एंड स्कैरिफिक्शन और हाई टेम्परेचर जैसी विधियां हम उपयोग में लेते हैं. ओके, वंडरफुल. सीड डोरमेंसी को तोड़ने के लिए जो केमिकल विधि है उसमें कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं? सर केमिकल विधि में जो केमिकल्स यूज होते हैं वो जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, इथाइलिन, श्वसन निरोधक, ऑक्सीकारक, सल्फर युक्त यौगिक्स एंड नाइट्रोजन एंड पादप उत्पाद जैसे प्रोडक्ट्स यूज होते हैं. बीज की जीवन क्षमता कितनी होती है? सर उत्तम बीज में जीवित भ्रूण का होना बहुत उपयोगी है और किसी भी जो भ्रूण है उसको नष्ट होने के लिए बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे उसका गल जाना, बीज का गल जाना, उसका कट जाना या भंडारण में हम कुछ ऐसी विधियों का उपयोग कर लेते हैं जो इसके लिए हानिकारक होती है या रोगों का प्रभाव, इसके कारण भ्रूण नष्ट हो जाता है जिससे जो बीज की है जीवन क्षमता भी कम हो जाती है. व्हाट डू मीन बाय ग्रेडिंग? सर ग्रेडिंग इट इज द प्रोसेसिंग ऑफ सीड, इट्स कॉल्ड ग्रेडिंग. मोनिका, हाउ इज वेराइटल प्योरिटी चेक्ड? सर बाय ग्रो आउट टेस्ट. ओके, मोनिका आपने सीड रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए. मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे पास सीड इंडस्ट्री में और भी बहुत से कैंडिडेट्स खड़े हैं जो आपकी तरह वेल एजुकेटेड है, हम उन्हें क्यों ना सिलेक्ट करें, हमें कुछ रीजन दीजिए, हम आपको क्यों लें? सर मैं अपने आप को उन लोगों से तो कंपेयर नहीं करूँगी जो मेरी तरह एक लाइन में खड़े हैं, लेकिन मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी. आई एम डिटर्मिन एंड डेडिकेटेड पर्सन और मैं पंचुअल हूँ अपने टाइम को लेकर और ऑनेस्टली वर्क को करूँगी और मैं आपके जो सिलेक्शन है उसको भी जस्टिफाई करूँगी. और सर मुझे एक चांस की ज़रूरत है अपनी स्ट्रेंथ को साबित करने के लिए. What are your salary expectations from us? सर सैलरी नॉट एन एसेंशियल, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर मोर इम्पॉर्टेंट एंड सैलरी डजंट मैटर फॉर मी. ओके, सो सपोज सम अदर कंपनी विल पे यू मोर, विल यू लीव अस फर्दर? नो सर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी. मैं आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगी और मैं अपनी लाइफ में रोलिंग स्टोन का रोल नहीं करना चाहती. किस तरीके रोल सर काम करना पसंद करते हैं आप? सर वर्सेटाइल मेरी एक स्ट्रेंथ है और मैं एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी हूँ, तो मैं अपने आप को हर मॉल में एडजस्ट कर लेती हूँ. और आप प्रेफरेंस पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगी, मैं उन लोगों के साथ वर्क करना ज़्यादा पसंद करूँगी जो पंचुअल हैं, अपने टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं और मतलब ऑनेस्टली वर्क को करते हैं. मान लीजिए हम आपको किसी और स्टेट में जॉब देते हैं तो आप कैसे मैनेज करेंगे? सर मैंने जैसे पहले मेंशन किया, मैं एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी हूँ और एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर और मेकिंग न्यू फ्रेंड्स मेरी हॉबीज़ है. मुझे तो अच्छा लगेगा सर मैं कई दूसरे कल्चर को एक्सप्लोर करने जा रही हूँ और सर मुझे होम सिकनेस भी नहीं है. फॉर मी कश्मीर टू कन्याकुमारी से. आप जानते हैं जॉब में बहुत बार प्रेशर भी होता है और सीड इंडस्ट्री में तो ऐसा है कि सेल्स की लाइन में कई बार प्रेशर मिल सकता है. यस सर, तो आप मैनेज कैसे करेंगे? सर मेरा मानना है कि अगर सकारात्मक प्रेशर है तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमारी लर्निंग स्टेज है. पॉजिटिव प्रेशर आर नेसेसरी. और सर मेरा मानना है कि अगर हम काम को इकट्ठा कर लेते हैं हमारे पर प्रेशर तभी आता है, तो मैं अपने काम को इकट्ठा नहीं करती, टाइम पर कंप्लीट करती हूँ, तो सर ऐसी नौबत नहीं आएगी. Would you like to work alone or in a team? सर इफ़ नेसेसरी आई कैन वर्क अलोन बट माई प्रेफरेंस इज टीम बिकॉज आई एम टीम स्पिरिट गर्ल और आई डोंट ट्राई टू हॉग ऑल द क्रेडिट. व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस? सर माय स्ट्रेंथ आई एम जोवियल, वर्सेटाइल एंड फिलैंथ्रोपिस पर्सनालिटी. एंड व्हाट आर योर हॉबीज? सर माय हॉबीज आर मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर और इसके साथ साथ मैं गार्डनिंग करना और जो सीड रिलेटेड बुक्स है या इससे रिलेटेड एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बुक्स हैं वो पढ़ना ज्यादा प्रेफर करती हैं. ओके, चलिए मोनिका आपने अपनी तरफ से बेस्ट इंटरव्यू दिया, समय आ गया हमारे व्यूअर्स को बेनिफिट देने का जो लास्ट तक हमारे वीडियो को देखते हैं. दोस्तों यदि आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हो तो बिल्कुल हम लास्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देते हैं और आज का टिप तो बहुत इंटरेस्टिंग है. दोस्तों देखिए जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे ऑब्वियस है वो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पुट अप करेंगे जैसे इंट्रोडक्शन. बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो मैं आपको टिप बताना चाहूंगा. सबसे पहले वो आपसे इंट्रोडक्शन जरूर पूछेंगे, वो आपसे जरूर पूछेंगे हम आपको क्यों सेलेक्ट करें, आपको सैलरी कितनी चाहिए, आपका नेक्स्ट 5 ईयर प्लान क्या है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स क्या आपके. यानी कि आप कुछ क्वेश्चंस पहले से प्लान अप करके जाइए, प्रैक्टिस करके जाइए, आप ज्यादा अच्छा इंटरव्यू दे सकते हैं. अब मान लीजिए वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछते तो ऑब्वियसली सबसे पहले अपना नेम बताएंगे, नेम का मीनिंग बताएंगे, अगर आपको मालूम है तभी बताएंगे.
तो सबसे पहले आप ये देखिए क्या आपके नाम का कॉरिलेशन आपकी पर्सनालिटी से करता है क्या। फॉर एग्जाम्पल मेरे नाम का मीनिंग जोवियल होता है, यानी कि दूसरों के दिलों पर राज करने वाला, तो मैं कह सकता हूं माय नेम मींस विनर ऑफ हार्ट, सो आई वेरी मच सिमिलर टू माय नेम सर, एज अ जोवियल पर्सन आई डोंट लाइक अदर्स टू रिमेन साइलेंट इन माय कंपनी। तो क्या आपके पास अपने नेम का मीनिंग है? इसके अलावा दोस्तों जब आप अपनी सिटी के बारे में बताते हैं तो एक अच्छी लाइन अपनी सिटी के बारे में जरूर बताइए ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन, पर अपनी सिटी के बारे में ज्यादा मत बताने लग जाइए क्योंकि यहां पर इंट्रोडक्शन आपका चल रहा है। इसके अलावा अपनी फैमिली के बारे में बिल्कुल नहीं बताएंगे, आप अपने बारे में ज्यादा बताएंगे। बहुत से इंट्रोडक्शन के अंदर आप देखते हैं लोग अपने पापा मम्मी भाई बहन सबके बारे में बताने लग जाते हैं, प्लीज आप नहीं बताएंगे, आप सिर्फ अपने बारे में बताएंगे। उसके अलावा आप हॉबीज बताइए, आप अपना एम बताइए, स्ट्रेस बताइए, पर वीकनेस ना बताइए, ये भी ध्यान रखें। जब तक इंट्रोवर्ट आपसे आपकी वीकनेस नहीं पूछे आप वीकनेस नहीं बताएंगे, आप अपने बारे में ज्यादा बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे जब आप इंट्रोडक्शन देते हैं दोस्तों, इंटरव्यूअर इज मोर इंटरेस्टेड इन यू एट दैट टाइम, सो इट्स योर हम्बल ड्यूटी टू टेल मोर अबाउट योरसेल्फ रादर देन टेलिंग एवरीथिंग अराउंड यू, दैट वुड बी मोर बेटर। There are a lot many questions students, I think regarding agriculture, हमने और भी आपको वीडियोस दे रखे हैं, आप उन वीडियोस को अच्छे से देखिए, आपको वैसे भी बहुत कुछ मिल जाएगा। और अपने दोनों चैनल्स PD Class और Intro Guide पर आप अबंडेंट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग इंटरव्यू स्पोकन इंग्लिश पर्सनालिटी के देख सकते हैं और बहुत कुछ वाजे फ्री ऑफ कॉस्ट सीख भी सकते हैं। मोनिका वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा इंटरव्यू, कीप इट अप, ब्लेसिंग्स टू यू मोनिका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।